जय हिंद स्टूडेंट्स, क्लास 11th। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न एलिप्स, दीर्घ वृत्त के बारे में। बच्चों आज हम पढ़ने जा रहे हैं, तो सबसे पहले तो इसकी आकृति कैसी होती है और कैसे बनती है, ये बेसिक जानकारी हमें होनी चाहिए, है ना। इसके पहले देखो, पहले तो ये देख लो, ऐसा होता ही है ना, चपटा यानी एक सर्कल है, उसको थोड़ा सा दबा दो। ये मैंने ज़्यादा दबा दिया, थोड़ा सा दबा दो, है ना। तो ऐसा जो अपना जो अर्थ है ना, पृथ्वी, उसको भी कह देते हैं स्फीयर, लेकिन वो स्फेरिकल नहीं है, वो जो उसके जो ध्रुव है ना, दोनों पोल्स, वहाँ से थोड़ी सी चपटी है, वो एलिप्टिकल है थोड़ी सी, है ना। तो ये एलिप्स होता है बच्चों, दीर्घ वृत्त होता है ना। एक तरफ जैसे सर्कल में तो रेडियस सब जगह बराबर होती है, इसमें एक तरफ ज़्यादा होती है, और मतलब इसके वर्टिकली कम, या फिर वर्टिकली ज़्यादा है तो हॉरिजॉन्टली कम। अभी देखो ये सब चीज़ें हम आपको बताते हैं। सर्कल क्या होता है, एक हमने लिया फिक्स पॉइंट, ठीक है, और एक मूविंग पॉइंट है ना। अब वो मूविंग पॉइंट ऐसे मूव कर रहा है बच्चों कि ये सभी पॉइंट्स एक फिक्स पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर आ रहे हैं, है ना, इसको हम सर्कल कहते हैं। पैराबोला कैसा बनता है, पैराबोला बनता है जब एक फिक्स लाइन हो और एक फिक्स पॉइंट हो, और मूविंग पॉइंट ऐसा हो जो इन दोनों पॉइंट्स से इक्वी डिस्टेंट रहे। वो डिस्टेंस हमेशा सेम नहीं रहेगी, डिस्टेंस बदलती रहेगी, लेकिन इक्वल रहेगा, दोनों डिस्टेंस हमेशा सेम रहती है। देखिए ये ऐसे और ये ऐसे, है ना, ये फोकस है उसका, पैराबोला का। तो ये तो पैराबोला की बात हो गई। एलिप्स का भी कुछ ऐसा ही स्ट्रक्चर होगा। तो एलिप्स का बच्चों ये है कि दो फिक्स पॉइंट्स हैं इस बार, है ना, दो फिक्स्ड पॉइंट्स हैं F1 और F2। अब कोई पॉइंट है जिसका इन दोनों से डिस्टेंस हमेशा एक कांस्टेंट रहता है, जैसे कि मैं एग्जांपल ले रही हूँ, हाँ, ये एक पॉइंट है, ये दो आपके फोकस, ओके, ये डिस्टेंस और ये पी पॉइंट है, मान लीजिए पी एफ वन प्लस PF2 हमेशा एक कांस्टेंट रहेगा, यानी इक्वल रहेगा। जैसे मान लीजिए 10 सेंटीमीटर आया, हाँ, और ये समय 5 और ये भी 5। अब अगर P यहाँ आ जाए, यहाँ आ जाए, तो हो सकता है कि ये डिस्टेंस 6 हो जाए और ये 4 रह जाए, लेकिन 6 प्लस 4 रहेगा 10, ये कहने का मतलब है। पैराबोला में क्या होता था, ये दोनों डिस्टेंस इक्वल रहेंगी चाहे कितनी भी हो, यहाँ 5 है, यहाँ 6 हो सकती है, यहाँ 7, कितनी भी हो सकती है, लेकिन इक्वल रहेंगी। सर्कल में क्या रहता है, ये डिस्टेंस हमेशा सेम रहती है, इसको हम रेडियस कहते हैं। और एलिप्स में क्या होता है, एक पॉइंट मूविंग पॉइंट है, वो इस कंडीशन के अंदर मूव करेगा कि इन दोनों फिक्स्ड पॉइंट्स से इसकी डिस्टेंस का सम जो शुरू में है वही अंत तक रहेगा। तो जिस रास्ते पर चलेगा वो रास्ता कुछ कुछ ऐसा, कुछ कुछ नहीं, पूरी तरह से ऐसा ही होगा। मतलब सोचो अगला पॉइंट, ये समझो P2 हो गया, ये P1 ले लो, हाँ, यहाँ आएगा, फिर ये P3 हो गया। अब देखो ये क्या होगा, देखो ये होगा F1 P3 प्लस P3 F2, हो सकता है ये 7 हो और ये 3 हो, ओके। तो ये रास्ता जो है ना, ये ऐसा रास्ता होगा जो एक दीर्घ वृत्त यानी कि एलिप्स कहलाएगा। मैंने इसको कोशिश किया कि आपको प्रैक्टिकली समझाऊं। ये देखिए मैंने ऐसे दो कील लगा दिए और ये समझो आपके दो फोकस हैं, ठीक है, और ये ले लिया एक धागा। अब मैं इसको, ये देखो ये मेरा पी पॉइंट है, जो देखो धागे की लंबाई है ना, वो ये वाली जो लंबाई है इसका सम तो हमेशा इक्वल ही रहेगा, क्योंकि धागे की लेंथ मैं चेंज नहीं करने वाली हूँ। अब देखो मैं इसको घुमा रही हूँ, हाँ, ये ऐसे जाएगा, धागा तो उतना ही है, धागा मैंने चेंज नहीं किया। ये देखिए ये किस रास्ते से गया, दिखा आपको, इट्स नॉट सर्कल, इट्स एलिप्स, ये पूरी तरह से सर्कल नहीं है। अब वो आ ऐसा गया कि लग रहा है सर्कल, लेकिन ये चपटा है। अब अगर हम इस डिस्टेंस को बढ़ा दें, है ना, ये अभी पास पास है, इसको थोड़ा दूर दूर कर दें, तो देखते हैं क्या होता है। नाउ सी व्हाट हैपेंस, मैंने धागा वही रखा है, अब मैं इसकी फिगर बना रही हूँ, ठीक है बेटा। ये देखो ये इस तरह से गई, और देखिए अब आया ना थोड़ा थोड़ा एलिप्स, आपको लग रहा है अब एलिप्स लग रहा है, अब तो आप मानेंगे ऐसा एलिप्स, ठीक है। पहले क्या था, फोकस की जो डिस्टेंस थी आपस में थोड़ी कम थी, तो कम
एलिप्टिकल लगा वो आपको, अभी मैं इसको और बढ़ा दूं तो ये और चपटा हो जाएगा। तो मेन चीज़ थी कि बनता कैसे है वो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। इस तरह से हमारा एलिप्स बनता है, ठीक है। चलिए अब एक तरफ से ये ज़्यादा लंबा होगा, एक तरफ से ये कम होगा, हाँ। तो जो ज़्यादा लंबा होगा ना उसको कहते हैं दीर्घ अक्ष, दीर्घ अक्ष, और इंग्लिश में कहते हैं मेजर एक्सिस, ठीक। एक बात याद रखिएगा कि इसमें दो फोकस होते हैं और दोनों फोकस हमेशा दीर्घ अक्ष पर ही रहेंगे। अगर इसका डायग्राम ऐसा है, ऐसा वाला है, तो इसके फोकस वाई एक्सिस पर आ जाएंगे, रहेंगे हमेशा लॉन्गर वाली पर, हाँ, चाहे ऐसे में हो चाहे ऐसे में हो। ये एक चीज़ है जो आपको याद रखनी है बच्चों, ठीक है। तो ये जो दीर्घ अक्ष है, कुछ नाम रख दो इसका, समझो मैंने ए बी रख दिया, ए बी। दीर्घ अक्ष की लंबाई हमेशा 2a होती है, याद रखिएगा। और ये है इसका सेंटर, हाँ, सेंटर। हम जो केसेस पढ़ेंगे बेटा 11th क्लास एनसीईआरटी में, इसमें सभी में सेंटर ओरिजिन लिया जाएगा, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमेशा ओरिजिन हो, लेकिन वो केसेस अभी आपको नहीं दिए गए हैं, केवल वही केसेस हैं जिसमें सेंटर ओरिजिन, ठीक है। तो सेंटर की तो टेंशन ही ख़त्म। ये हो गई आपकी मेजर एक्सिस, और मेजर एक्सिस की लंबाई हमेशा कितनी है 2a। तो बच्चों यहाँ से यहाँ तक तो फिर a हुई, और यहाँ से यहाँ तक भी a हुई, है ना। इसको कहते हैं वर्टिसेस, जो लंबी वाली मेजर साइड होती है ना, मेजर एक्सिस होती है ना, उसके एंड पॉइंट्स वर्टिसेस कहलाते हैं, यानी कि शीर्ष कहलाते हैं। तो इसका पॉइंट बताइए क्या बनेगा, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, a 0, है ना, और इसके बी, ये तो बी पॉइंट था, ए पॉइंट के क्या बनेंगे, माइनस ए ज़ीरो, गॉट इट। तो ये दीर्घ अक्ष मेजर एक्सिस आपको समझ में आई। अब हम आते हैं माइनर, एक तरफ ज़्यादा लंबा होगा और एक तरफ कम, ये हो गई आपकी माइनर एक्सिस। इसकी लेंथ हमेशा 2b ली जाती है, ओके। अब मैं इसका नाम cd रख दूँ, तो cd इज इक्वल टू 2b, गॉट इट। तो यहाँ से यहाँ तक बी, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या बने, 0b, है ना, और इसके कोऑर्डिनेट्स क्या बन गए, 0 - b, गॉट इट। यहाँ तक आ गया। इसके बाद आती है दोनों फोकस के बीच की दूरी, दोनों फोकस के बीच की डिस्टेंस बच्चों हमेशा 2c ली जाती है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक C और यहाँ से यहाँ तक भी C। तो F1 के कोऑर्डिनेट्स हो गए C0 और F2 के हो गए C0 और F1 के क्या हो गए, -C0। इतना आप क्लियर हो जाएं, बस इतना सा और सुन लीजिए कि जो हाफ मेजर एक्सिस है वो A है और फुल मेजर एक्सिस 2A है, है ना। अर्ध दीर्घक्ष A है, पूरी दीर्घक्ष 2a है, ऐसी अर्ध, अच्छा मेजर है तो माइनर भी होगी ना, इसको फिर क्या कहेंगे, माइनर, और माइनर को हिंदी में क्या कहते हैं, लघु। तो लघु अक्ष पूरी तो 2b है, लेकिन अगर अर्ध लघु अक्ष लेनी हो तो b है। ऐसे ही दो फोकस के बीच की दूरी, दो नाभियों के बीच की दूरी 2c है, तो केंद्र से एक नाभि के बीच की दूरी c होगी। इतना क्लियर हो गया, हाँ। अच्छा, ये जो दो फोकस है ना, फोकस का प्लूरल, इसको लिखते हैं फोकी, कोई लोग फोसी बोल देते हैं, कोई फोकाई बोलते हैं, जैसे कि रेडियस का रेडियाई होता था, उसमें दो आई होते तो रेडियाई, इसको तो हम फोकी ही बोलेंगे। फोकी मीन्स दो फोकस, ठीक है, मोर देन वन, नॉट टू एग्जैक्टली, मोर देन वन। अब एलिप्स में पहली चीज़ जो हम आपको बताएंगे वो है ए बी और सी के बीच में रिलेशन, ए बी और सी आपस में किस तरह से कनेक्टेड है। देखिए बच्चों, डायग्राम एग्जैक्ट की उम्मीद तो मत करना कभी भी, हाँ इतना तो हो कि बहुत ही इररिलेवेंट ना हो और हम अपनी बात को समझा पाएँ। तो ये आपका हो गया एलिप्स, ठीक है। यहाँ है आपका F1 और यहाँ लिया मैंने F2, ओके। ये पॉइंट ले लिया मैंने P, ये पॉइंट ले लिया Q, और इसको भी कुछ AB कुछ भी नाम दे दीजिए, ओके। अब ये B है बच्चों, आपको पता है इतनी लेंथ बी है, है ना, ये लेंथ बी है, ये लेंथ सी है, ये भी लेंथ सी है, और ओ से पी की लेंथ ए है,
O से P के बीच की लेंथ A है। इतना क्लियर हुआ? तो ज्वाइन कर देते हैं। तो ये बिना बताए आप समझ गए कि ये एक राइट एंगल्ड ट्राइंगल है, समकोण त्रिभुज है ना, ये 90 डिग्री का कोण है, आप जानते ही, तो एक्सिस है ना, तो 90 डिग्री का होगा। अब बच्चों ये तो हुआ C और ये हुआ B, ये कितना होगा, पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, कितना हो जाएगा ये बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, गॉट इट। अब इसी पॉइंट की एफ टू से डिस्टेंस ले लो, ये एफ टू से ए एफ टू, तो ये भी बच्चों वही अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। तो ए एफ वन प्लस ए एफ टू ये हो गया स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, फिर से स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, मतलब ट्वाइस ऑफ बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ स्क्वायर रूट लगाना, ठीक है। तो ये आपकी हो गया। अब मान लीजिए ये पॉइंट ए घूमते घूमते यहाँ आ गया, मतलब ये ए पॉइंट पी बन गया, यहाँ आ गया। तो आपने अभी जो रिलेशन सीखा, हमने आपको बताया कि इलिप्स क्या होता है, इलिप्स होता है कि कोई एक पॉइंट है मूविंग पॉइंट पी, इसकी दोनों फोकस से डिस्टेंस का सम हमेशा एक जैसा रहता है, चाहे आप कहीं से भी नाप लीजिए। तो ये जो ए एफ वन प्लस ए एफ टू है, क्या ये पी एफ वन प्लस पी एफ टू के इक्वल नहीं होगा? ये ए घूमते घूमते यहाँ आ गया, है कि नहीं? तो इसकी डेफिनेशन तो यही कहती है। अब हमने ए एफ वन प्लस ए एफ टू निकाला, अब हम पी एफ वन प्लस पी एफ टू निकालते हैं, गॉट इट। पी एफ वन और पी एफ टू हम निकाल रहे हैं। तो ये जो पी एफ वन है ये कितना होगा, सी प्लस ए, देखो ओ पी कितना है ए, चलो मैं इसको तोड़ के लिखती हूँ। पी एफ को हम पी एफ वन को लिखते हैं एफ वन ओ प्लस ओ पी, एनी डाउट? देखो बच्चों एफ वन ओ प्लस ओ पी है ना, तभी तो ये एफ वन पी बनेगा। और अब क्या है एफ टू पी, तो एफ टू पी क्या होगा, एफ टू पी के भी कोई डायरेक्ट तो है नहीं, ये हो जाएगा ओ पी माइनस ओ एफ टू, गॉट इट, आ रहा है समझ में? देखो पी एफ वन हो जाएगा एफ वन ओ प्लस ओ पी, वो मैंने लिख दिया। और फिर चाहिए मुझे पी एफ टू, तो पी एफ टू हो जाएगा ओ पी माइनस ओ एफ टू, ओके। अब एफ वन ओ तो सी, एफ वन ओ, एफ वन की सेंटर से डिस्टेंस तो सी, ओ पी कितना ए, ये देखो ये ओ पी कितना ए है ना, फिर से ओ पी कितना ए, और ओ एफ टू कितना सी, तो सी से सी हुआ कैंसिल, ये कितनी आ गई, ये आ गई आपकी 2a है ना। अब ये दोनों सेम है क्योंकि ये डेफिनेशन है पर इलिप्स की है ना, दीर्घवृत्त की परिभाषा से ए एफ वन प्लस ए एफ टू इज इक्वल टू पी एफ वन प्लस पी एफ टू। तो इधर से आया था 2 स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और इधर से आया था 2a, 2 से 2 कैंसिल, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। दिस इज एन इम्पॉर्टेंट रिजल्ट, एक बहुत इम्पॉर्टेंट रिजल्ट ये हमें मिल गया है। जितना ये इम्पॉर्टेंट है उतनी मैं इसको रिस्पेक्ट दे रही हूँ और स्केल से इसके लिए बॉक्स बना रही हूँ। तो ये आप याद रखेंगे हमेशा कि ए बी और सी में आपस में क्या रिलेशन होता है, ठीक है। दूसरी चीज़ आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ने से पहले एक बात मेरे माइंड में आ रही है वो भी सुन लीजिए, वो है इस इलिप्स के कुछ स्पेशल केसेस। अच्छा बच्चों ये डेरिवेशन कोई ज़रूरी नहीं था समझाना है ना, कोई डेरिवेशन की ज़रूरत पड़ेगी नहीं, लेकिन मुझे क्या लगता है जब हम सब्जेक्ट में एंट्री ले रहे हैं तो हमको उसकी प्रॉपर डीप में नॉलेज होनी चाहिए, और ख़ास तौर से जो हमने स्पेशल मैथ्स लिया हुआ है। स्पेशल केसेस देखें, तरह देखिए अगर ऐसा हो कि 2a जो इनके बीच की डिस्टेंस है वो ज़ीरो हो जाए, ये डिस्टेंस ज़ीरो हो जाए तो फिर क्या होगा, ये देखो ये ऐसे इलिप्स तो रहेगा नहीं, ये तो एक लाइन रह जाएगी है ना, लाइन रह जाएगी। अगर 2b ज़ीरो हो जाए, हाँ ये ऐसे ले आइए ऐसे, तो भी ये नहीं रहेगा, तो भी एक स्ट्रेट लाइन x एक्सिस पर कंसाइड कर जाएगा।
अगर ये 2C0 हो जाए तो क्या होगा, बताओ, बताइए, सोचिए। अगर ये कोइंसाइड कर जाए तो फिर ये एक सर्कल बन जाएगा, क्योंकि दो फिक्स्ड पॉइंट नहीं, फिर तो एक फिक्स्ड पॉइंट रहेगा। तो जब 2C यानी कि C0 हो जाए तब फिर ये एक सर्कल होगा, इन दोनों में से कोई जीरो हुआ तो वो एक इलिप्स रहेगा ही नहीं, वो तो एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगा। ठीक है, तीसरी दो चीज़ें हो गई बच्चों, एक तो हमने इनमें रिलेशन सीख लिया, एक हमने स्पेशल केसेस सीख लिए। अब हम तीसरी चीज़ सीखने जा रहे हैं, उसको कहते हैं एक्सेंट्रिसिटी, हाँ हिंदी में कहते हैं उत्केंद्रता। ठीक, इसको बेटा ई, स्मॉल ई से डिनोट करते हैं, और ये हमेशा सी अपॉन ए होता है, यानी कि सी और ए का अनुपात होता है, रेशो होता है। सी क्या है, सेंटर से फोकस की डिस्टेंस, ए क्या है, हाफ मेजर एक्सिस, है ना, अर्ध दीर्घ अक्ष। ओके, तो ये तो बच्चों आपको अपने माइंड में, अपने जहन में बैठानी पड़ेगी। तो फिर यहाँ से अगर मैं सी की वैल्यू ले लूँ तो फिर ये क्या आ जाएगी, ए आ जाएगी ना। और अभी हम ये रिलेशन बना के हटे हैं, इस पेज पर लेती हूँ, ध्यान रखिएगा रिलेशन क्या था। रिलेशन है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, और अभी अभी हमने क्या देखा, सी इज इक्वल टू ए देखा। ठीक, अब हम यहाँ पर सी के प्लेस पर लिखने जा रहे हैं ए ई, तो ये हो गया ए ई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, है ना। तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ई स्क्वायर, है ना। तो फिर बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर वन माइनस ई स्क्वायर। दिस इज अगेन वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट रिजल्ट। मुझे दो कलर के पेन लेने चाहिए इस तरह के इम्पॉर्टेंट रिजल्ट्स की सजावट करने के लिए, नेक्स्ट टाइम मैं लेकर बैठूंगी। ठीक है, तो इट इज़ अनदर इम्पॉर्टेंट रिजल्ट, हर बच्चे को ये रिजल्ट आना चाहिए, है ना। कई बार आपको ए और बी चाहिए, लेकिन ए और बी में से एक दिया है लेकिन एसेंट्रिसिटी दे दी, तो ये फॉर्मूला काम आता है। ई अप्लाई करो और बी ले लो, अगर ए और ई दिए हैं तो, अगर बी और ई दिए हैं तो ए मिल जाएगा, है ना। ये हो गया। इसके बाद बच्चों जो सबसे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जिसके लिए हम ये सब काम कर रहे हैं वो है स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स। ठीक है, दीर्घ वृत्त की मानक समीकरण। ठीक है, ये हो गई स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स। मैं आपको बता दूं, जब इलिप्स ऐसा होता है बच्चों, ऐसा वाला, हाँ, तब होती है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू वन, तब ये होती है। ठीक है, और जब ये ऐसा होता है तब होती है एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू वन। ठीक है, इसमें और इसमें देखिए एक चीज़ है जो मैं आपको पहले बता दूं कि ये इसकी मेजर एक्सिस है, ये इसकी माइनर एक्सिस है, यहाँ ये इसकी माइनर एक्सिस है और इसकी ये मेजर एक्सिस है। चाहे ये मेजर है, हाँ, लेकिन मेजर एक्सिस हमेशा ए में ही नापी जाएगी, चाहे ये एक्स एक्सिस पर हो या फिर ये y एक्सिस पर हो। इस चीज़ का ध्यान रखना बच्चों, जब हम पढ़ते थे तो कई बार हम कंफ्यूज होते थे। a a a हमेशा मेजर एक्सिस को ही डिनोट करेगा, चाहे वो x अक्ष पर हो चाहे वो y अक्ष पर हो। अब हो जाएगी आपकी जीरो भी,
माइनर हमेशा बी रहेगी, बस इतना ध्यान रखना। एक्स के अपॉन में तो यही आएगी जो एक्स एक्सिस के अलोंग है, और वाई के अपॉन में ए स्क्वायर पहुंच गई, है ना। तो बस मेजर हमेशा ए ही रहेगी, माइनर हमेशा बी ही रहेगी, ठीक है। अब इसकी जो ये क्वेश्चन है, ये कैसे डेराइव हुई बच्चों, ये मैं अब आपको सिखाने जा रही हूँ अपने नेक्स्ट पेज पर, ताकि हमको बार बार पेज पलटने ना पड़े। तो हमारे पास अभी जो रिजल्ट्स आए हैं वो हम लिख लें एक जगह पर, किसी की भी ज़रूरत पड़ सकती है। रिजल्ट एक ये था, एक था बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, है ना, और एक ये था बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर वन माइनस ई स्क्वायर। सब इंटरकनेक्टेड थे, लेकिन चलिए किस रूप में किसकी ज़रूरत पड़ जाए कह नहीं सकते। तो हम एक रफ डायग्राम एलिप्स का बनाते हैं, और हम इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन डिराइव करके आपको दिखा रहे हैं कि इक्वेशन बनती कैसे, आई कैसे। हाँ, आपको नहीं देखना हो आप मेरा वीडियो आगे बढ़ा सकते हैं, सीधे सम्स कर लीजिए, लेकिन मेरे ख्याल से तो आपको देखना चाहिए। अभी देखो, जब हमने इनमें ये रिलेशन निकाला था बच्चों, तो हमने पॉइंट को यहाँ लिया था, है ना, जिससे यहाँ न लेकर कहीं और लेंगे, मीन्स समझो हमने यहाँ ले लिया। तो ये आपका F1, हाँ, और ये आपका F2, ये ज्वाइन कर दीजिए, इसको ऐसे ज्वाइन कर दीजिए, तो ये क्या होगा, पी एफ वन प्लस पी एफ टू इज इक्वल टू सम कांस्टेंट, और वो कांस्टेंट हम लेंगे 2a। क्यों? क्योंकि जब ये पॉइंट यहाँ आएगा, तो एफ वन पी प्लस एफ टू पी, आपको याद है अभी हमने लास्ट पेज पर आपको बताया, या एक बार और बता दें, समझो ये पी फिसल कर खिसक कर यहाँ आ गया, हाँ यहाँ आ गया ये, तो अब ये क्या बन गया, देखो पी एफ वन प्लस पी एफ टू। अब पी एफ वन को ब्रेक कर दो, ये ओ है, तो पी एफ वन क्या होगा, एफ वन ओ प्लस ओ पी, पी एफ वन हो जाएगा एफ वन ओ प्लस ओ पी। और फिर ये आ जाइए पी एफ टू पर, पी एफ टू क्या होगा, ओ पी माइनस ओ एफ टू, ओ पी माइनस ओ एफ टू। तो वैसे तो ये कैंसिल है, लेकिन लिख देते हैं यहाँ पर, ये सी, ये ए और ये सी कैंसिल, तो ये कितना आ गया 2a, यानी कि जब ये यहाँ आएगा तब इसकी लेंथ होगी, इन दोनों लेंथ का सम होगा 2a, तो क्या ये 2a यहाँ नहीं होगा, डेफिनेशन तो यही कहती है कि कहीं भी होगा सेम होगा, तो ये मैंने लिख लिया यहाँ पर 2a, ठीक। P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हमने लिए x, y, F1 के क्या होंगे बच्चों, माइनस सी जीरो, और F2 के होंगे C0। अप्लाई कर दें डिस्टेंस फॉर्मूला, तो ये हो गया आपका x प्लस सी होल स्क्वायर प्लस y माइनस जीरो होल स्क्वायर। यहाँ से लिया हमने x माइनस सी होल स्क्वायर प्लस y माइनस जीरो, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस, ठीक है, और इक्वल टू 2a। अब एक को इधर ले जाओ, तब स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, तो ये रहेगा आपका x प्लस सी होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, है ना, इसको इधर ले आइए, तो 2a माइनस ये हो जाएगा x माइनस सी होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ओपन करूँ, ओपन नहीं मतलब स्क्वायर करूँ, देखिए यहाँ से स्क्वायर और इसका, लिख देंगे स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, स्क्वायर किया तो स्क्वायर रूट हट गया, x प्लस सी होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, स्क्वायर रूट हट गया, है ना। यहाँ पर क्या हुआ बच्चों, पहले तो होगा ए स्क्वायर, फिर होगा बी स्क्वायर, बी स्क्वायर में बस रूट हट जाएगा, ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, माइनस में होगा 2ab, तो ये हो जाएगा 4a अंडर रूट x माइनस सी होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, गॉट इट, इस तरह से आया आपको। अभी तो मुझे सीधे सीधे वाई स्क्वायर कैंसिल होता दिख रहा है, अब ओपन करते हैं, एक्स स्क्वायर भी कैंसिल हो जाएगा और सी स्क्वायर भी, देखो एक्स स्क्वायर प्लस टू सी एक्स प्लस सी स्क्वायर, यहाँ पर क्या है 4a स्क्वायर, फिर एक्स स्क्वायर माइनस टू सी एक्स प्लस सी स्क्वायर, देन माइनस 4a स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस सी होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। देखो क्या क्या गया, एक्स स्क्वायर गया, सी स्क्वायर गया, इन दोनों को इधर ले आओ,
लेफ्ट में, तो माइनस टू सी एक्स इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस, तो मिल जाएगा हमको 4cx, फोर ए स्क्वायर इधर आएगा तो माइनस 4a स्क्वायर हो जाएगा, और इधर क्या रह गया, माइनस 4a स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस सी होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। फोर तो देखो बच्चों सब तरफ से कैंसिल हो रहा है, तो कर दिया जाए, यहाँ क्या रह गया cx, फिर माइनस a स्क्वायर, और यहाँ पर माइनस a स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस सी होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। फिर से आप क्या करोगे, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर ये हो गया सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, प्लस में आएगा बच्चों ए टू दी पावर फोर, ए स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे ना, तो माइनस टू सी एक्स ए स्क्वायर, ये तो हो गया लेफ्ट हैंड साइड। राइट में माइनस बन गया प्लस, ये आ गया ए स्क्वायर, और यहाँ ब्रैकेट हट गया, ये वाला लगेगा साइन, एक्स माइनस सी होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, अभी थोड़ा सब्र करो, इसको ओपन करना है, ए टू दी पावर फोर माइनस टू सी एक्स ए स्क्वायर, ओपन और मल्टीप्लाई दो काम एक साथ कर रही हूँ बच्चों। ठीक है, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर पहला, तो फिर सी स्क्वायर आएगा ना, तो हो जाएगा ए स्क्वायर सी स्क्वायर, ओके, और फिर आएगा माइनस टू सी एक्स के साथ आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस टू सी एक्स ए स्क्वायर, और फिर एंड में ए स्क्वायर वाई स्क्वायर। ये तो देखो मस्त कैंसिल। अब हम क्या करें, और कुछ हो रहा है कैंसिल, नहीं हो रहा है, चलिए ठीक है, कलेक्ट करते हैं, इसको इधर लाते हैं, ये हो गया सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर के पास में आ गया ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ठीक है, फिर y स्क्वायर ये रहा, इसको लेकर आ जाओ इधर, माइनस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर, कॉन्स्टेंट्स इधर आ जाएंगे, ये हो गया ए स्क्वायर सी स्क्वायर, ये इधर ले जाइए, माइनस ए टू दी पावर फोर, कुछ कुछ कॉमन है देखो, यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन, क्या रहा सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर, यहाँ से कॉमन क्या ए स्क्वायर है ना, तो सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इतना क्लियर होगा, हो गया ना सबको। अब ये जो राइट हैंड साइड है ना बच्चों, इससे दोनों मतलब दोनों तरफ डिवाइड कर दो, तो क्या होगा देखो, ये होगा एक्स स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को हम डिवाइड कर रहे हैं ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर से, फिर माइनस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर को भी हम डिवाइड कर रहे हैं ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर से, और यहाँ तो वन आ जाएगा, हमने पूरे के पूरे राइट हैंड साइड से तो डिवाइड किया है ना, तो ऐसे आ गया। अब ये बच्चों हो रहा है कैंसिल, यहाँ पर ये कैंसिल हो रहा है, अब बचा क्या एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बचा, माइनस वाई स्क्वायर के अपॉन में रह गया सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और वन। अब मुझे बताइए कि बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर था कि नहीं था, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, है ना, यहाँ पे क्या है, यहाँ उल्टा है, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इस माइनस से अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो क्या होगा, ये तो प्लस बन जाएगा ना, इस माइनस को मैं अंदर मल्टीप्लाई कर रही हूँ, ये उल्टा हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, और ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर क्या होता है बी स्क्वायर, है ना, दैट मीन्स यू हैव रीच्ड एट योर डेस्टिनेशन, ये आपकी इक्वेशन डिराइव हो गई। ये किसकी इक्वेशन है, ये ऐसे वाले एलिप्स की इक्वेशन है जिसकी मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस के अलोंग है और माइनर एक्सिस वाई एक्सिस के अलोंग है। ठीक है, अब आप जब दूसरे टाइप का करेंगे तो कुछ आप अपने लिए भी रखिए, है ना, इसके बाद जो भी होगा वो आप करेंगे। फिफ्थ चीज़ है लैटिस रेक्टम, इसको हम आपको यहाँ बताते हैं, लैटिस रेक्टम, ठीक है, इसको हिंदी में कहते हैं नाभिलंब, है ना, नाम से एकदम क्लियर है नाभिलंब। तो मैंने ऐसा एक रफ डाइग्राम बनाया एलिप्स का ऐसे, और ये इसकी दो नाभियाँ हैं, ये F2 है ये F1 है, मुझे इसकी लंबाई बच्चों बतानी है, ठीक है, इसकी, ये दोनों सेम होंगी,
इसकी या उसकी सेम होगी, है ना। तो ये मैंने अपने मन से मान ली कि एल है, इसकी पूरी लंबाई एल है, या ऐसा करते हैं इतना इसको एल मान के उसको डबल कर देंगे बाद में, ठीक है। तो इतना पोर्शन हमने ले लिया एल, ओके। और ये तो सी है, आप जानते हो ये डिस्टेंस तो सी रहती है, तो ये पॉइंट क्या हो गया, सी एल हो गया, है ना। तो हमारी इक्वेशन क्या थी, इक्वेशन थी एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू वन। पॉइंट मिल गया हमको सी एल, इसके ऊपर लाई करवा दीजिए, सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू वन, इसको उधर ले जाइए, एल स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू वन माइनस सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। एलसीएम लिया, एल स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर और यहाँ आएगा ए स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ज़रा मुझे बताओ क्या रिलेशन था, रिलेशन था ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर के प्लेस पर हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं ना बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, लिख दूँ यहाँ पर एल स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और ये अपॉन में बी स्क्वायर तो है ही, सी स्क्वायर से सी स्क्वायर हो गया कैंसिल, बी स्क्वायर को ऊपर ले जाओ, ये बन गया बी टू दी पावर फोर अपॉन ए स्क्वायर, है ना। दोनों तरफ का ले लीजिए स्क्वायर रूट, तो एल आ गया बच्चों बी स्क्वायर अपॉन ए, लेकिन लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ कितनी है, ट्वाइस ऑफ एल, हमने आधे पोर्शन को एल लिया था, तो हमारा आंसर हो गया टू बी स्क्वायर अपॉन ए, इसे आप याद रखिए। क्वेश्चन नंबर वन, सो हेयर इज द क्वेश्चन, इन ईच ऑफ द एक्सरसाइज 1 to 9 फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द फोकी, द वर्टिसेस, द लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, द माइनर एक्सिस, द एसेंट्रिसिटी एंड द लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम ऑफ द एलिप्स। निम्नलिखित प्रश्नों 1 से 9 तक प्रत्येक दीर्घवृत्त में नाभियों और शीर्षों के निर्देशांक, दीर्घ और लघु अक्ष की लंबाइयाँ, उत्केंद्रता तथा नाभि लंब जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो 9 sums में एक जैसा प्रोग्राम चलेगा, हाँ ये मत देखिएगा, ये है फर्स्ट सेकेंड 9 तक लिखे हैं, तो 2 questions बच्चों मैं इस वीडियो में ले रही हूँ, बाकी के हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है एक्स स्क्वायर अपॉन 36 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 16 इज इक्वल टू 1, ओके। इसको पहले परफेक्ट फॉर्म में लाइए, ये बन गया आपका 6 square, है ना, और ये बन गया 4 square 1, तो a कितना हो गया 6, देखो इसके अपॉन वाली लंबी है ना, तो ये ऐसा वाला है, ये इसकी शेप ऐसी हॉरिजॉन्टल है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और b हो गई कितनी 5, अब देखते हैं क्या क्या चाहिए। सबसे पहले हमको चाहिए दीर्घवृत्त में नाभि, c चाहिए, तो a और b आया, c तो है नहीं हमारे पास, c और a क्या रिलेशन होता है, c इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वही वाला जो अभी अभी हमने पढ़ा, ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यहाँ से लिया मैंने, ठीक है। तो a कितना है 36 माइनस 16 यानी कि स्क्वायर रूट 20, है ना, स्क्वायर रूट 20 यानी क्या हुआ, ऐसे ही रहने दो, या तो 2√5 कर दो, आपकी मर्जी है। तो आपके फोकस क्या हो गए, यानी कि नाभिलंब सॉरी नाभियाँ क्या हो गई, प्लस माइनस रूट 20 0, ठीक है ना, एक बार प्लस रूट 20 0, दूसरी बार माइनस रूट 20 0, ऐसे। तो पहली चीज़ आ गई वो थी फोकस। दूसरे में हमको चाहिए बच्चों, मैं यहाँ से देख रही हूँ, दूसरे में चाहिए वर्टिसेस, वर्टिसेस क्या होते हैं, शीर्ष, शीर्ष होंगे ए प्लस माइनस ए 0, तो प्लस माइनस ए कितना था 6, तो ये हो गया 6 0, ठीक है। इसके बाद आपको चाहिए लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस यानी दीर्घ अक्ष की लंबाई कितनी होती है 2a, 2 6 are 12, इसके बाद आपको चाहिए बच्चों माइनर एक्सिस, हाँ तो माइनर एक्सिस क्या होती है 2b, तो 2 into 4 that is 8। इसके बाद चाहिए एसेंट्रिसिटी,
एसेंट्रिसिटी क्या होती है? वैसे तो सी अपॉन ए होती है ना? तो सी कितनी है? सी हम निकाल चुके हैं, रूट 20 है, तो ये हो गई रूट 20। और ए कितनी है? 6, तो रूट 20 अपॉन 6। ठीक है, एसेंट्रिसिटी हम पॉजिटिव ही लेंगे हमेशा। ठीक है, इसके बाद आ जाइए लैटिस रेक्टम पर। लैटिस रेक्टम का फॉर्मूला 2b² / a, तो 2b² / a, 2 × b कितना? 4, 4 का स्क्वायर, और a कितना? 6, तो 16/3, ये आपकी लैटिस रेक्टम आ गई। ठीक है, एसेंट्रिसिटी हम पॉजिटिव ही क्यों लेंगे? कि जब हमारे पास c पॉजिटिव है तो a भी पॉजिटिव वाला लिया, अगर c नेगेटिव लिया तो a भी नेगेटिव लिया, है ना। इस एसेंट्रिसिटी हमें क्या बताता है? घुमाव उस वृत्त का या उस कर्व का, वक्र का घुमाव क्या है। ठीक है, तो दोनों का साइन सेम होना चाहिए, तब हम एसेंट्रिसिटी निकालते हैं, और इसके लिए काफ़ी डीप में जाना पड़ेगा, जो मैं अभी नहीं जा रही हूँ। मोटे तौर पर आप इतना समझ लीजिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 इज x² / 4 प्लस y² / 25 इज इक्वल टू 1। तो x² / 2² प्लस y² / 5² इज इक्वल टू 1। सबसे पहले बच्चों इसका जो शक्ल होगी वो ऐसी होगी, ऐसी, है ना। तो इसका फोकस कैसे आएगा? 0 प्लस माइनस सी, यही आता है ना। तो सी तो मैंने निकाला नहीं, डायरेक्ट लिख दिया, चलिए निकाल लेते हैं। पहले ए और बी निकालें। एक्स के अपॉन में क्या है? यहाँ पर बी है, तो बी कितना है? 2, और ए कितना है? 5। तो फोकस क्या होगा? 0 प्लस माइनस सी, तो सी निकालने के लिए सी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 25 - 4, दैट इज रूट 21। तो बच्चों यहाँ पर आ जाएगा रूट, आप इसको यहाँ लिखना, इसको ऊपर, है ना। मैंने जल्दबाजी में ये पहले लिख दिया, कैलकुलेट किया नहीं तो बाद में करा। ठीक है, तो ये आपका फोकस हो गया, कोई बात नहीं। वर्टिसेस क्या होते हैं? जो मेजर एक्सिस के एंड पॉइंट्स होते हैं। तो मेजर एक्सिस इस समय अपनी वाई के अलोंग चल रही है ना, तो वर्टिक्स भी हो जाएंगे 0 + - 5। ठीक है, अब आ जाओ मेजर एक्सिस। बच्चों हिंदी वाले बच्चे सफ़र करते हैं, समझ लेना दीर्घ अक्ष, है ना। मेजर एक्सिस तो कितनी होगी? 2 × 5, ऐसे वाली, चाहे y के अलोंग है तो मेजर 10। ठीक, माइनर एक्सिस, माइनर नाम से ही क्लियर है, छोटी है वो, तो 2 × 2, दैट इज 4। ओके, इसके बाद हमको चाहिए एसेंट्रिसिटी, ये होगी c/a। तो c कितना आया था हमारा? रूट 21 आया था, है ना, और a कितना है? 5, तो ये हो गई एसेंट्रिसिटी, रूट 21/5। लास्ट थिंग इज लैटिस रेक्टम, यानी लाभिलंब जीवा, a² / b। तो 2 × a कितना है? 5, तो 5 का स्क्वायर, और b कितना है? b है हमारा लैटिस रेक्टम, बच्चों 2b² / a होती है ना, 2b² / a, नॉट 2a² / b, 2b² / a। तो 2 और बी स्क्वायर आपका हो गया 2 स्क्वायर, और ए कितना है? 5। तो कुल मिलाकर लैटिस रेक्टम आ गई 8/5। ओके, तो 2 सम्स लिए मैंने, बाकी सम्स बच्चों हम अगले उसमें लेंगे वीडियो में, तब तक आप इन्हें स्वयं कीजिए, और जय हिंद।